गुना मध्य प्रदेश चुराई गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। गुना के ग्राम चुराई में ग्रामवासियों को अभी तक नहीं मिला प्रधानमंत्री सड़क योजना का लाभ, नहीं मिल रहा है। गांव में सड़क नहीं बनने से ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिपरोदा से चुराई जाने वाला रास्ता पूर्ण तरीके से खराब है और रास्ते में बहुत सारे गड्ढे देखने को मिलते हैं और चुराई जाने वाले रास्ते में जो पुलिया बनी है वो भी जमीन में धस गई है, उसमें बड़ा गड्ढा हो गया है जिसके कारण बड़े वाहन निकलने में दिक्कत आ रही है। चुराई गांव भरत शर्मा ने बताया है कि हमारा गांव तो ऐसा लगता है कि सरकार हमारे गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक सड़क नहीं बनी है और बारिश का पानी रास्तों में भर जाता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ये तो आजीवन रही है। अच्छा। और पूरे भारत में सब दूर आरसीसी के गांव के अंदर गोले बन चुके हैं, रोडे बन चुकी है पक्की आरसीसी की। हाँ। लेकिन यहाँ क्या है कि मुख्यमंत्री भी अगर आवास होता और मुख्यमंत्री जी का भी अगर कोई लड़का होता तो उसको भी लड़की नहीं मिलती, इतनी खराब पोजीशन है। तो बारिश के अंदर सारी गटरों का पानी इस गोले पे आ जाता है और ये गटरों के पानी के बीच में घुटने घुटने पानी के गटर के पानी के अंदर यहाँ से निकलना पड़ता। कौन सा गांव है जी? ये ग्राम चुराई है। अच्छा, तो जहाँ पे देखने को मिला है पूरी जो रास्ता है वहाँ पे पानी भरा पड़ा है, इसको लेके क्या कहना है प्रशासन से? अभी ये तो प्रशासन की जवाबदारी है, यहाँ पे सर्वे करना चाहिए कि ये अभी तक ऐसा क्यों चल रहा है। ये तो करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से ऐसा चल रहा है। यहाँ पे देखने को मिला है नालियाँ भी नहीं बनी है, रास्ता पूरा खराब है, ना आरसीसी का रास्ता डला है। तो इसका कारण यही है कि भ्रष्टाचार है। हाँ जी, बात आगे आ रही है, भ्रष्टाचार है। अब दूसरे जिलों के अंदर तो बढ़िया आरसीसी के ऐसे गोले डले हैं 20-20 साल पहले कि उनको अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, योजना योजना तो चल रही है लेकिन चुराई गांव में योजना का लाभ नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को, इसलिए परेशान हो रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा साहब, बिल्कुल। चुराई के अंदर इधर की पुलिया जो है आगे पिपलोदा रोड की, हाँ, वो भी इतनी डैमेज है। देखा है हमने, उसका फोटो भी खींच के लाए हम। उसमें किसी भी वक्त कोई अगर भरा हुआ ट्राली या ट्रैक्टर अगर चला गया तो वो उसके अंदर एक्सीडेंट हो सकता है। अब आप ये सतनपुर और पिपलोदा और चुराई के बीच में जो है तीन रास्ते, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे भारत में जो गरीबों के और किसानों के हित में योजना रोडों के संबंधित है वो हमें भी मिले इस गाँव में। ये गाँव तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में रह रहा हो। सही बात है।